जी हैं। वैसे तो भारत का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और आदिवासी सभ्यता ये 50,000 साल पुरानी है। 50,000 साल पहले की जो आदिवासी की सभ्यता है ये बात हमको समझ लेना चाहिए। और गोंडवाना लैंड के विषय में हमारे साथी मनपक्षी जी ने बताया कि वो एक जियोलॉजिकल लैंड का पोर्शन था। वो जियोलॉजिकल लैंड का पोर्शन था लेकिन केवल इसीलिए उसका गोंडवाना लैंड नाम नहीं पड़ा। जब फ्रेजर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जब वो आए, जियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका नाम फ्रेजर था, जब वो आए तो उन्होंने जब ये जियोलॉजी के पार्ट को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया और अफ्रीका जुड़ा हुआ था और एशियन कॉन्टिनेंट के साथ में, और अब ये सेपरेट हुआ, इसको मैं क्या नाम दूँ। तो जब उन्होंने सोचा कि मैं इसको क्या नाम दूँ तो उनको किसी ब्राह्मण का नाम याद नहीं आया, उनको किसी क्षत्रिय का नाम याद नहीं आया, उनको किसी भी जो है वो वैश्य का नाम याद नहीं आया। उनको भारत के अंदर में सबसे प्राचीन अगर कोई कम्युनिटी का नाम याद आया तो वो गोल्ड कम्युनिटी का आया और इसलिए उसका नाम गोंडवाना लैंड गया। ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यानी गोंड ट्राइब या मुंडा ट्राइब या संताल ट्राइब या ओराउन ट्राइब ये या हलवा है और भी जो ट्राइब्स है ये भारत में आर्यों के आने के पहले से यहाँ पर थे। आर्य आए 3,500 साल पहले, बिल्कुल अभी ये क्लियर हो गया है। अगर आप यूडर्सविल यूनिवर्सिटी का 2017 का रिसर्च पढ़ेंगे, उताह यूनिवर्सिटी के रिसर्च के बाद जो 2011 में हुआ उसके बाद 2017 का लेटेस्ट रिसर्च हुआ, यूडर्सविल यूनिवर्सिटी यूके ने क्लियर किया कि भारत के अंदर में इन लोगों का डीएनए केवल 3,500 साल का मिलता है, उसके पहले इनका डीएनए नहीं मिलता। और यदि SC ST OBC का और इनमें से जो धर्मांतरित हुए इंडिजिनस माइनॉरिटी इनका डीएनए अगर देखा जाए तो वो डीएनए कम से कम 73,000 साल से मिलता है इंडिया के अंदर। तो इसलिए गोंडवाना लैंड का मतलब केवल गोल्ड का नहीं है, क्योंकि गोल्ड है मुंडा है ये सबसे एंशियंट ट्राइब थे, इसलिए वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को और जियोलॉजिस्ट को लगा कि इसका नाम क्या देना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इसको गोंडवाना लैंड कहा। और मेरा एक सपना है कि जिस दिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनेगी मैं आर्टिकल 1 को अमेंडमेंट करने वाला हूँ, इंडिया दैट इज भारत ना रखते हुए इंडिया दैट इज प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड लिखने वाला, इंडिया दैट इज भारत ना लिखते हुए इंडिया दैट इज भारत ना लिखते हुए इंडिया दैट इज प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड लिखूंगा। क्योंकि भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, वो क्यों आया कैसा है इस पर आज मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक फैक्ट है कि भारत भी आर्यन नेम है और जो जो आर्यों का है उसको हमको सबको रिजेक्ट करना है, क्योंकि गुलामों का धर्म और गुलाम बनाने वालों का धर्म और संस्कृति एक नहीं हो सकती। इसलिए जो आर्यों का है वो हमारा नहीं हो सकता, जो नागों का है, जो असुरों का है, जो मुंडाओं का है, जो गोंडों का है, जो आदिवासी का है, जो दलित का है, जो OBC का है, वही हमारा कल्चर होगा, वही